ओके गाइस, सो गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ द डे 5 ऑफ पुनिस्पीति राइड। सो अभी हम जे ओरी में, जो कि रामपुर के बाद आता है, शिमला के अंदर ही है, बट शिमला के अंदर एक छोटा सा टाउन है रामपुर के अंदर। सो हम इधर ही है और यहाँ पे हमने होम स्टे लिया हुआ है। मैं आपको रूम दिखाता हूँ। यहाँ पे वॉशरूम है और मैं जहाँ बैठा हूँ वो सोफ़ा है। सो ये रूम हमें पड़ा था 600 रुपीज़ में, ट्रिपल शेयरिंग। सो अभी यहाँ से निकलेंगे हम चितकुल के लिए। चितकुल यहाँ से है 99 किलोमीटर्स, अराउंड 3.5 आवर्स दिखा रहा है। सो चितकुल जाएंगे और वहाँ पे उसको एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे एंड ऑफ द डे कल्पा के लिए और वहीं पे स्टे करेंगे। सो ये ओवरऑल आज का प्लान एज ऑफ नाउ है। अगर कुछ चेंज भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे वेदर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी चेंज होता है। सो लेट्स सी, मैं आपको होम स्टे बाहर से भी दिखाता हूँ। जैसे ही बाहर जाता हूँ, मेरा सामान लोड कर दिया है और ये जतिन भाई आ रहे हैं अभी। ये देखो जतिन भाई, जतिन भाई पैकिंग हो गया, चालू है, चालू है। कौन? पैकिंग चालू है। फिर ठीक है, पूरा स्पेसिफाई करके बताया कर, आधा अधूरा मत बता, जनता को कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर तू बोलेगा चालू है तो पैकिंग ही चालू होगा अभी, और क्या चालू हो सकता है यहाँ पे। वो तो रोज का काम है, जिस दिन से निकले उस दिन से रोज ही कर रहे हैं। अरे हमारा अभिषेक भाई उधर बाहर से दिख रहा होगा, और कमरे की हालत पे मत जाओ। जब दिया था तो बहुत साफ सुथरा था, जो हम रखे नहीं अभी तक। राइट नाउ द टाइम इज 8:32 और हमारे होम स्टे से हम अभी निकले हैं। तो बेसिकली जेओरी से निकले हैं। अब यहाँ से 24 किलोमीटर पे ये बॉर्डर लग जाएगी, बॉर्डर नहीं मतलब किन्नर किन्नर डिस्ट्रिक्ट चालू हो जाएगा आफ्टर 24 किलोमीटर। सो बेसिकली तवांग 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 बोलते, क्या बोलते हैं प्रोनाउंस पता नहीं क्या होता है, सांगला एंड चितकुल कल्पा, ये सब किन्नर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो यहाँ पे अगर दिख रहा है किन्नू 24 किलोमीटर है, सराहान 17 किलोमीटर है, सराही कोटी कुछ तो 15 किलोमीटर था। हमें जाना है किन्नूर, और ये पहाड़ों के मजे लो, अभी तो पहाड़ों में ही हैं हम। आने वाले 4-5 दिन, जब तक पूरा स्पीति का सर्किट पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम इसी पहाड़ों में हैं। ये बेसिकली ये जो पहाड़ है वहां से हम आए अभी, वो जो वहां पे रास्ता दिख रहा है वो रास्ता पूरा कवर करके अब इस साइड आए, तो वो पहाड़ कवर करके ये पहाड़ पे आए। पूरे पहाड़ कनेक्टेड है और सारे पहाड़ से एक पहाड़ से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वैसे कनेक्ट कर 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 करके सारे पहाड़ों को कवर करना है। तो आज हम जा रहे हैं चितकुल। चितकुल के बारे में कुछ बताऊं तो वो है इंडिया का लास्ट विलेज। अब उसको इंडिया का लास्ट विलेज क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके बाद तिब्बत का बॉर्डर स्टार्ट होता है।
बेसिकली वहाँ से तिब्बत का बॉर्डर कनेक्टेड है, सो इसलिए उसको इंडिया का लास्ट विलेज कहते हैं। एंड वहाँ पे देखने के लिए एक तो बासपा रिवर है, देन एक फेमस ढाबा है जो कि इंडिया लास्ट ढाबा, सो वहाँ पे लंच ट्राई करेंगे अगर खुला रहा तो। ऐसे तो खुला ही रहेगा, लंच के टाइम पे कौन बंद करता है। एंड ट्राई करेंगे कि इंडिया तिब्बत बॉर्डर का जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। ये तीन चीज़ें देखने वाले हैं, बाकी तो सीनिक तो है ही, वो तो पूरा रास्ता ही सीनिक है। अभी रोड कंडीशन बताऊं तो ओके ओके है, इतनी अच्छी नहीं है कि अभिषेक भाई क्यों रुक गए, शायद जतिन पीछे नहीं दिख रहा है इसलिए रुक गए। तो सुबह की शुरुआत में ही प्रॉब्लम, हम लोग आगे आगे पता चला जतिन का गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, अभी हम उसके पास वापस जा रहे हैं। आई होप लेट्स सी, ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ना हो तो अच्छा है, नहीं तो कल्पा का प्लान कैंसिल करके चितकुल में ही रुकना पड़ेगा। तभी हम बताए थे ना, कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे, किस घड़ी कब प्लान चेंज हो जाए कुछ कह नहीं सकते, बस प्लान पे रहना जरूरी है, बाकी प्लान वर्कआउट करे या ना करे वो तो टाइम ही बताएगा। भाई का बैटरी डाउन हो गया था, मतलब कि उसकी बाइक का बैटरी डाउन हो गया था, अभी ठीक हो गया है, थोड़ा चलाएगा तो चार्ज भी हो जाएगा, एक आध घंटा गाड़ी चलेगा तो चार्ज हो जाएगा। देखने का बात है बैटरी डाउन हुआ क्यों, कल कार बाइक वॉश किया उसने चक्कर में हुआ या क्या, क्या पता। चितकुल 95 किलोमीटर, इससे आगे निकल। गौ माता ये सब कवर कर चुके थे, वापस आ रहे हैं, यहां तक आ गए थे। उम्मीद है ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, बस क्योंकि बाजू में ही मैकेनिक का शॉप था, हमारा होम स्टे है उधर, उसके बाजू में ही मैकेनिक का शॉप है, बाइक वॉशिंग सेंटर है, तो इसलिए उनकी बैटरी से ही उन्होंने जंप स्टार्ट कर दिया होगा उसको बाइक को, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर हमारे उससे करना होता तो लग जाती, मेरे केस में तो मेरे को पूरा सैडल बैग सब निकालना पड़ता तब जाके होता। दैट इज वेरी टीडियस वर्क, सैडल बैग लगाना इजी काम नहीं है, लगाने में ही 15 मिनट लगता है। अगली राइड के लिए पैनियर पक्का है, बहुत हो गया अभी ये सैडल बैग, ऐसे भी मेरे सैडल बैग की लाइफ खत्म हो गई, अभी रेसे रेसे निकलने के लिए आ गए अभी। होपफुली ये उसकी आखिरी राइड है इस सैडल बैग की, इसके बाद उसका होगा जय माता दी। और ये सामने का रास्ता दिख रहा है एकदम क्लियर, पूरा राउंड एंड राउंड घूम घूम के जा रहे हैं। कुल है 83 किलोमीटर, जतिन की बाइक का बैटरी फिर से ड्रेन हो गया था, मतलब चला
चला रहा है। यहाँ पे बाइक लोग बहुत अजीब चला रहे हैं, भगा भगा के चल रहे हैं। और ये गाड़ी धोने के लिए जगह है, यहाँ पे आप गाड़ी धो सकते हो। नेचुरल शावर, अगर किसी को गाड़ी धोनी हो तो। नेचुरल वॉशिंग सेंटर, ओके। यहाँ पे बाइक साइड पे लगाना है, एंट्री करना होगा। भाई गाड़ी चालू ही रखना, तेरी बंद मत करना। सो एंट्री हो गई वहाँ पे, तो इसको सुनी डिटेल्स डालनी थी। डिटेल्स में क्या था, गाड़ी नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, फोन नंबर, कितने पैसेंजर है और कहाँ पे जा रहे हो, दैट्स इट। उतनी चीज़ें ऐड करनी है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है एज ऑफ नाउ। अभी तक तो ना ही कोविड सर्टिफिकेट, ना ही कोई भी आधार कार्ड या आईडी कार्ड, कुछ भी नहीं मांगा है अभी तक तो। या आई थिंक ऐसे एक दो चेक पोस्ट और आएगी जैसे जैसे आगे जाएंगे, उसका भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। इतने भी अच्छे रास्ते नहीं है पर ठीक है, मतलब थोड़े बहुत खड्डे वड्डे वाले रास्ते हैं, फिर अच्छा रास्ता आ जाता है, फिर वापस खड्डे वड्डे वाले रास्ते। पर जो चीज़ हमें तब करनी है, जो काजा के बाद, वो तो रास्ता है ही नहीं। ओ बॉय, ये देख रहे हो कैसा टनल बनाया है। और ये सामने फिर से पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए, बर्फ के पहाड़ ऊपर। हम धीरे 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 सारे पहाड़ क्रॉस करके उधर ही चले जाएंगे, बर्फ के पहाड़ के पास। रिवर सूखा पड़ा है यार, सतलज रिवर, लग नहीं रहा कि आइस मेल्ट हो रहा है ऊपर, ज्यादा पानी क्यों नहीं आ रहा। इसीलिए रिवर पूरा सतलुज रिवर खाली था, क्योंकि ये करचम डैम में पूरा पानी रोक के रखा हुआ है। अभी पानी छोड़ेंगे तो पूरा रिवर भर जाएगा।
फिर सर करचम बैंक टू सो अभी बजे है 11:30 और हम यहाँ पे रुके हैं वादंग ढाबा ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट किया नहीं तो हम ऐसे ही चले गए थे। यहाँ से कुछ तो 49 या 45 किलोमीटर है चितकुल। सो यहाँ से व्यू देखो, ये ऊपर ग्लेशियर वाला पहाड़ दिख रहा है। आई डोंट नो कैमरा भी दिख रहा होगा कि नहीं, वहाँ पीछे भी है खाली बस। और ये नीचे बासपा रिवर मोबाइल से बेस ला पाएगी वैली। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो। हाँ क्या ये 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 पब्लिक प्लेस पे ये सब नहीं करने का। ए भाई मुंबई में ऐसे करते हो क्या तुम? ऐसे हाँ नहीं नहीं ऐसे ही करते, सब जगह ऐसे ही करते, सारी दुनिया में होल वर्ल्ड में ऐसे ही करते, यही करने का तरीका। बस अभी ये व्लॉग में डालने को फिर देख लेना तुम। सच्चाई इधर ही रह जाए। और 2 घंटा लगेगा क्योंकि अभी ना रास्ते बहुत नैरो हो गए। तो ऐसे ही देख देख के चलाना पड़ता है, समझ समझ के थोड़ा कोऑपरेट करके कि सामने से गाड़ी आ रहा है तुम साइड पे हो जाओ, नहीं तो वो साइड पे हो जाएगा। खैर फोर व्हीलर कहाँ ही होगा साइड पे, हमें ही होना पड़ेगा। दिक्कत ये नहीं है पहाड़ बहुत ऊपर है, दिक्कत यह है कि पहाड़ का रास्ता अच्छा नहीं है। बहुत ही ज्यादा खूबड़ खाबड़ है और पूरा ऊपर नीचे है। अब ये पूरा स्लोप है, अमेजिंग अमेजिंग व्यू। रुके क्या 2 मिनट? 2 मिनट रुके क्या है ना? ओके गाइस, सो हमने अभी ये चितकुल यहाँ से 11 किलोमीटर है और यहाँ पे एक ब्रेक लिया। ये लोकेशन अच्छा लगा, आपको भी दिखाता हूँ लोकेशन। एक ब्रिज है और ब्रिज के पास आपको पानी तो आवाज़ आ रहा होगा, तो रियल व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए
गाइस व्यू देखिए व्यू, और नीचे का व्यू भी बहुत सही है। पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा बहुत ही दिख रहा होगा। पर सामने का तो देख सकते हो, ऊपर पूरा बर्फ से भरा हुआ है वो वाला ग्लेशियर, धीरे 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 पिघल रहा है और वो बासपा रिवर में जा रहा है। स्वागत है आपका किन्नेर रिसोर्ट। ये भी अच्छी जगह है वे रहने के लिए, क्या सीनिक व्यू है। रास्ते जितने बुरे हैं ना, आजू बाजू का व्यू इतना ही सीनिक है। सो ऑल वॉच इट, सब वॉच है। सेकंड बैटरी भी खत्म हो गया, यहाँ पे बैटरी इतनी जल्दी खत्म हो रही है ना। अभी आगे डाला था 50 किलोमीटर पहले, खत्म भी हो गया। अभी बजे है 1, मैंने डाला था कुछ तो 11:30 बजे, 1.5 घंटे में खत्म हो गया बैटरी। पूरा गाड़ी खड़खड़ खड़खड़ होने लगा मेरा। फोटो लिया, बहुत ही अच्छा व्यू है। नीचे रिवर है, वहाँ पे पूरा बर्फ का पहाड़ है ऊपर, और अब हम चलेंगे चितकुल के लिए। ये अभी चितकुल में ही है, 1.7 किलोमीटर दिखा रहा है, मतलब वो जो सामने गांव दिख रहा है वही है चितकुल। और चितकुल के आगे ख़त्म होते ही लग जाता है तिब्बत का बॉर्डर। सो दैट इज़ द रीज़न चितकुल को बोला जाता है इंडिया लास्ट विलेज फॉर दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। बासपा रिवर अमेजिंग,
यहाँ से व्यू उसका। रास्ता अच्छा नहीं है पर व्यू इतना अच्छा है, रास्ते का फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्या। अरे यार कुछ तो मक्खी वक्खी आया है, वाइजर खुला रखा है, मेरा 360 का भी बैटरी खत्म हो गया, कैमरा बंद करना ही भूल गया। आज डेटा ट्रांसफर करने में लगने वाली है, बहुत डेटा मिलने वाला है, व्लॉग भी लंबा बनने वाला है और आई होप आप सबको पसंद भी आएगा। वैसे मैंने ड्रोन शूट लिया है यहाँ पे, ड्रोन में थोड़ा वार्निंग आ रहा था मेरे को हाई एल्टीट्यूड का, बट स्टिल चांस लिया, कोशिश तो करनी पड़ेगी, थोड़ा रिस्क तो उठाना पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। तो हाई एल्टीट्यूड का प्रॉब्लम एक ही होता है कि जब लैंड करना होता है ना तो उसको पता नहीं चलता है ड्रोन को कि कहाँ पे लैंड करना है, तो उसके सेंसर्स सही से वर्क नहीं करते। तो मेरी उंगली को थोड़ा हिट भी किया उसने, पर ऊपर वाले की कृपा से और आप सबकी दुआ से मेरी उंगली सेफ है, कुछ नहीं हुआ, बच गया। जस्ट लुक एट द व्यू, आंखें हट नहीं रही है मेरी यहाँ से, इस व्यू से ऐसा हो रहा है कि बस इधर ही देखता रहूं, इधर ही देखता रहूं। 750 मीटर, बहुत सही व्यू है यार, बहुत सही। आज का प्लान चेंज कर दिया है, कल्पा जाने वाले थे, कल्पा कैंसल, कल्पा को स्किप कर दिया है क्योंकि वो कहता है ना जहाँ है वहाँ का मजे लो, जरूरत से ज़्यादा कवर करने के चक्कर में जो चीज़ है उसका भी मज़ा नहीं उठा पाओगे, तो इट्स बेटर एंजॉय दिस सीनरी और आई वुड से एंजॉय दिस अमेजिंग सीनरी। ये रिवर साइड कैंप जो है यहाँ से आएगा, पर उसके लिए तुम्हें ऑफ रोड करके जाना पड़ेगा, तो अगर रिवर का वो चाहिए तो नीचे जाना पड़ेगा, और अगर होटल का चाहिए तो यहाँ ऊपर। सब अपने स्टिकर लगाने में पड़े हुए हैं, ये ना कि स्टिकर निकाल दो, बस निकाल दो, बहुत बढ़िया। क्या मतलब है बोर्ड पे स्टिकर लगाने का, ये कोई ब्रांडिंग करने के लिए थोड़ी ना है बोर्ड, मेमोराइज के लिए है, तुम अपना फोटो खींचो ना बोर्ड के साथ। वो कैंपिंग का नीचे है, वो कैंपिंग का नीचे था, वो ऑफ रोड करके नीचे से जा रहे हैं, वहाँ पीछे था, पीछे था ना रास्ता, यू टर्न ले मैं लेके जाता हूँ, पर थोड़ा महंगा पड़ेगा, चलेगा ना?
वही मेरे हिसाब से 1400 रुपये पर हेड होगा, जैसा उधर था वो, खाने पीने के साथ। या इधर रुकना है, इधर रुकेगा तो पहाड़ का व्यू आएगा, नीचे रुकेगा रिवर का व्यू आएगा। हाँ यू टर्न ले। टर्न लेना, और ये रिवर कैंप के लिए काफी ऑफ रोड है जाने के लिए। एडवेंचर से भरा हुआ, फुल ऑफ एडवेंचर। वहां पे गाड़ी भी खड़ी है, मतलब गाड़ी जा सकती है, तो टू व्हीलर इज क्वाइट इजी। बस थोड़ा पत्थरों से देख के चलाना पड़ता है, एक गलत पत्थर और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वो कहते हैं ना, एक गलत मोड और जिंदगी चेंज, लाइफ चेंज। अभी गाड़ी किधर लगाऊं यार, इधर तो गाड़ी का ही प्रॉब्लम हो रहा है मेरा। ऊपर बोले तो पहले प्राइस तो पूछ के आते हैं, खाली है कि नहीं वो पूछ के आते हैं। गाइस सो लुक एट द व्यू, यहाँ रिवर, यहाँ पे स्नो माउंटेन्स और ये कैंप। बस इधर देखते हैं, इधर मिल जाए, मिल गया तो ऑल सेट। ओके गाइस सो अभी बजे है 2:34। हम ये बासपा रिवर कैंप पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ,
यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमें कैंप नहीं मिला, अवेलेबल नहीं है, पर लोकेशन बहुत ही सही है, मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। मैं आपको लोकेशन पहले दिखाता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे कैंप है सारे, एंड वहाँ पे ऊपर माउंटेन व्यू है जो पूरा स्नो माउंटेन है, एंड यहाँ पे रिवर है। सो व्यू बहुत ही अच्छा है, आई डोंट नो, अवेलेबल नहीं है। सो और एक वहाँ पे लोकेशन है, सो ये अभिषेक और जतिन गए वहाँ पे देखने के लिए कि अवेलेबल होता है कि नहीं होता है वहाँ पे। उनके चेहरे देख के तो 50-50 लग रहा है कि शायद होगा शायद नहीं होगा, नहीं हुआ तो फिर ऊपर ही कहीं पे तो कोई रूम लेना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। एनी हाउ तो हमें पूरा ये ऑफ रोड फिर से करके ऊपर जाना पड़ेगा, बट ठीक है, एटलीस्ट वर्थ है यहाँ से ये व्यू एंजॉय करने के लिए इतना नीचे आए। सो या देखते हैं क्या हुआ, वो लोग आएंगे बताएंगे, अगर है तो उधर जाने का रास्ता कहाँ से वो देखना पड़ेगा बाइक का। चलो भाई नहीं है बोल रहे, तो हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा। एक बोल रहा है एक बोल रहा है नहीं है, क्या पता नहीं चल रहा है, रूम है या नहीं है, तो ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है फिर। अच्छा सब पैक है ऊपर, आखिरी ढाबे पे खाना खाते फिर रूम ढूंढते, आखिरी पास्ता, आखिरी पास्ता निकलने का रास्ता ढूंढता। अच्छा है क्या, गंदा है तो अच्छा क्यों बोल, तू यार तेरा समझ में नहीं आ रहा है, तू पॉजिटिव बोल रहा है नेगेटिव बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ ये टॉयलेट देखो गंदा है। अच्छा हाँ भाई इसका टॉयलेट गंदा है, और जनरली कैंप साइड पे गंदा ही रखते हैं लोग, पता नहीं अच्छे वाले कैंप साइड बहुत कम रहते हैं। चलो निकलते हैं। ओके गाइस, सो अभी हम चितकुल में हैं, सो हम शाम के 5 बजे, और यहाँ पे एक फेमस ढाबा है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, वहाँ पे हमने लंच किया, एक्चुअली लंच नहीं, हमने लंच किया था इवनिंग में अराउंड 4 o'clock, और अभी यहाँ से इंडियन तिब्बत बॉर्डर चेक पोस्ट है वो देखेंगे, एंड देन पीछे एक रिवर है वो देखने के लिए जाएंगे। सो अभी अभिषेक और जतिन का वेट कर रहा हूँ, वो आ जाए तो फिर यहाँ से निकलते हैं। ठंड काफी है यहाँ पे। वहाँ पे मैं मेरे रूम पे मेरा 360 कैमरा छोड़ के आया हूँ टाइम लैप्स लगाने के लिए, तो वहाँ पे वो उसका काम करेगा और यहाँ पे मैं मेरा काम करूँगा। यहाँ से 2-3 किलोमीटर रहेगा बॉर्डर। तो बॉर्डर इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर देख लिया, बट कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि कैमरा वहां पे अलाउड नहीं है, विच इज एक्सपेक्टेड था मेरे को कि जहां बात आर्मी की और देश की सिक्योरिटी की आती है वहां पे ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती है। सो दैट इज़ ओके, बट अच्छा लगा, इट ऑलवेज फील्स नाइस जब तुम बॉर्डर पे जाते हो तो ऐसा लगता है ट्रू इंडियन वाली फीलिंग आती है, वो सामने दिख रहा है वो ग्लेशियर मेल्ट होके आ रहा है पूरा नीचे, और
बासपा रिवर में मर्ज हो रहा है। रास्ता अच्छा क्यों नहीं बनाया यार? मिलिट्री वालों के लिए रास्ता अच्छा होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। सिर्फ सिविलियन के लिए ही क्यों रास्ता बनाया जाए? ये रास्ता ज्यादातर मिलिट्री वाले यूज करने वाले हैं, फिर भी बनाना चाहिए। उनको कितना दिक्कत होता होगा। और अभी सन निकला है देखो, अचानक से बादलों के बीच से। अभी जाएंगे रिवर साइड नीचे, और वहीं पे चिल करेंगे, चिल करेंगे। अभी सन निकला है ना, मेरा टाइम लैप्स इतना ढांसू आने वाला है, बता नहीं सकता। बहुत 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 गाड़ी खड़खड़ खड़खड़ उड़ गई। कोई सा भी गाड़ी ले लो, खड़खड़ खड़खड़ हो गई। BMW लेके आओगे तब भी होगा। सो चितकुल के लिए अगर कैंपिंग करना है तो जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर चेकपोस्ट है उसकी तरफ आते जाओ तो आपको बहुत सारे दिखेंगे। एक जस्ट चेकपोस्ट से पहले था कैंपिंग, जो कि रिवर साइड था, ये हिल पे है दूसरा। तो आई थिंक सो, अगर तुम कभी भी बुकिंग के बिना भी आओगे तो इसमें से कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। जस्ट इन केस तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे इतने ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि हमारे केस में हमें पता ही नहीं था कि आगे भी इतने ऑप्शन है, तो हमने ट्राई ही नहीं किया और हमारे पास टाइम भी नहीं था एक्चुअली, क्योंकि ऑलरेडी लंच के लिए हम 2 घंटे लेट थे, तो और कितना लेट करते। सीधा ऐसा बना दिया है, टू रिस्की। देखो इधर भी कैंप है, कितने सारे कैंप है। पर यहाँ तो हमने पूछा था, कहाँ जा रहे? हाँ स्कूल है, फिर भी वो स्कूल नहीं जाता है बच्चा, जाना चाहिए ना। चलो फिर पहले आप छोड़ो, पहले आप में गाड़ी छूट जाएगी। आर्यापार हाई ला, ऐसे में मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कैसे लाया? नीचे का बचा हुआ है क्या? ओए हाय,
लगा तो दिया है, निकालना अल्लाह मालिक।